जय हिंद दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ICAR IARI टेक्नीशियन ऑनलाइन फॉर्म 2021-2022 मोबाइल से कैसे फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वेबसाइट देख पा रहे हैं, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ये वेबसाइट ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आप यहां पर भर्ती की एलिजिबिलिटी के बारे में जानोगे कि यह भर्ती 641 पद पर निकाली है। 10वीं पास कैंडिडेट इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। जॉब लोकेशन आपकी न्यू दिल्ली रहेगी। सैलरी आपको 21,700 रुपए पर मंथ दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस UR OBC EWS के लिए 1,000 रुपए है और SC ST विकलांग के लिए 300 रुपए है। और आप लोग इस फॉर्म को 18 दिसंबर 2021 से लेकर के 10 जनवरी 2022 तक भर पाएंगे। तो आपको यहां पर सभी जानकारी को चेक करते हुए नीचे आना है और नीचे आकर के आपको यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और नीचे आकर के यहाँ पर टिक करना है और फिर इसके बाद आपको प्रोसीड टू रजिस्टर यहाँ पर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ब्राउज़र रिकमेंड किए जाएंगे, यानी कि इस तरह की आपके सामने प्रोसेसिंग होगी। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है और यहाँ से फिर इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद सबसे पहले पोस्ट अप्लाइड, तो आपको यहाँ पर टेक्नीशियन की जो आपकी पोस्ट है, बेसिकली एक ही पोस्ट इसमें निकाली है, आपको यहाँ पर टेक्नीशियन सिलेक्ट कर लेना है। फिर आता है कैंडिडेट नेम। अब आपको यहाँ पर नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार भरना है और अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर ये यहाँ पर फिलअप किया जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर ये पूरा नाम एंटर कर देते हैं। इसको एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। इस नंबर को दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई करना है। फिर आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है और इस ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद दोस्तों ये जो सिक्योरिटी कोड या फिर कैप्चा कोड यहाँ पर दिया जा रहा है, ये कैप्चा कोड फिल कीजिए। फिल करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर अभी तक भरी है, इनको अच्छे से वेरीफाई कीजिए, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं दिया जाएगा। और सियोर होने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे कि आपने सक्सेसफुली साइन अप यानी कि रजिस्ट्रेशन कर लिया है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी मेल मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अभी यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, बेसिकली आपको यहाँ से लॉग आउट कर देना है। आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ लॉग आउट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर लॉग आउट करना है। लॉग आउट करने के बाद आपके सामने लॉग इन का पेज आ जाएगा। अब जो आपको जानकारी मेल मैसेज के माध्यम से मिली है यूजर आईडी एंड पासवर्ड की, वो आपको फिल करनी है। और फिल करने के बाद ये सिक्योरिटी कोड या कैप्चा कोड यहां पर फिल करना है, देन आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक। अभी गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके सामने कुछ ऐसा एरर आ रहा है, यानी कि आपको आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड भरने का सही से ऑप्शन देखने को नहीं मिल पा रहा, तो आपको क्या करना है, आपको दूसरा एक ब्राउजर डाउनलोड करना है। ब्राउजर का नाम है पफिन ब्राउजर, PUFFIN। ये आप प्ले स्टोर में जाइए और सर्च कीजिए पफिन ब्राउजर और फिर आपको इसको डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहां पर जो अप्लाई लिंक मैंने बताया हमारी वेबसाइट का, वो यहां पर आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहां पर भी आपके सामने कुछ ऐसा एरर आएगा, बट अभी आपको क्या करना है, यहां पर तीन डॉट के ऊपर क्लिक करके आपको इस वेबसाइट को डेस्कटॉप मोड में ओपन करना है। डेस्कटॉप मोड में ओपन होने के बाद आप लोग यहां पर देखेंगे कि ये इस तरह का जो बॉक्स है वो नहीं आएगा और आपको क्लियर वे में आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करने का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहां पर आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करना है, फिर एक सिक्योरिटी कोड डालना है और इसके बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद यहां पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर से यहां पर इस तरह की प्रोसेसिंग होगी और आपको बेसिकली ब्राउजर रिकमेंड किए जाएंगे, तो आपको यहां से इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको कुछ जानकारी भरनी है। मैंने सभी जानकारी पहले से भर ली है, जैसे कि आपका जेंडर, तो आपका जो भी जेंडर है वो जेंडर आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है, मेल है या फिर फीमेल है। फिर आती है कास्ट कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आप देखेंगे नेशनलिटी, तो नेशनलिटी में आपको ए सिटीजन ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लेना है। फिर आता है एग्जाम सिटी चॉइस फर्स्ट, आपको यहां पर 5 सिटी देनी है आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, कि आप किस सिटी को कितनी महत्वता देना चाहते हैं एग्जाम के लिए। तो पहले आप यहां पर फर्स्ट सिटी सिलेक्ट कीजिए, इसका जो एग्जाम सेंटर है वो आपके ऑल इंडिया होने वाले हैं। इसके बाद आपको सेकेंड सिटी सिलेक्ट करनी है, इसके बाद थर्ड सिटी सिलेक्ट करनी है, फोर्थ सिटी सिलेक्ट करनी है और फिफ्थ सिटी सिलेक्ट आपको कर लेनी है। फिर है डेट ऑफ बर्थ, आपको यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करना है।
और जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर अभी सिलेक्ट करनी होगी। तो पहले आप यहाँ पर आपका जो ईयर है वो सिलेक्ट कीजिए, फिर इसके बाद में आपका मंथ, आपको ईयर सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है, ईयर के ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ एक बार फिर से क्लिक करना है, और इसके बाद आप जिस जो भी ईयर सेलेक्ट करना चाहे वो कर सकेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर बैक में आता हूँ, यहाँ से हम 97 सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो इस प्रकार से आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा है कि क्या आप विकलांग हैं और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछा कि क्या आप एक भूतपूर्व सैनिक है, एक्स सर्विसमैन हो, तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक सर्विंग डिफेंस पर्सन हो, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आपसे पूछा कि क्या आप ICAR के कर्मचारी है, अगर है तो आपको यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आती है दोस्तों आपके सामने पर्सनल डिटेल, जहां पर दोस्तों आपका नाम फिलअप है, आपको नीचे आपके फादर का नेम 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरना है, और फिर आपको आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। इसके बाद है कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहां पर आपको एड्रेस लाइन 1-2 के अंदर भरना है। कंट्री आपको सिलेक्ट करनी है, फिर यहां पर जो भी आपकी स्टेट है वो स्टेट आपको सिलेक्ट करनी होगी। ये सिलेक्ट करने के बाद यहां पर दोस्तों आप देखेंगे सिटी, तो आपकी उस स्टेट के अंदर कौन सी सिटी है वो आपको यहां पर सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको आपका पिन कोड एंटर करना है। फिर आपसे नीचे पूछा कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस सीख प्रेजेंट एड्रेस है, अगर है तो आपको यहां पर यस करना है, नहीं तो नो करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर दीजिए। देन आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके बाद दोस्तों आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी, तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है। तो सबसे पहले आपको यहां पर जो भी आपका बोर्ड है, किस जिस भी बोर्ड से आपने 10वीं की है, उस बोर्ड का नाम आपको यहां पर लिखना है। ये लिखने के बाद आपको आपके जो कॉलेज है या फिर स्कूल है उसका नाम यहां पर एंटर करना होगा। इसके बाद कौन से ईयर के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद आपकी परसेंटेज कितनी थी 10th के अंदर, वो परसेंटेज आपको लिखनी है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपके नंबर CGPA के अंदर थे तो आपको उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके लिखना है, और दो ही अंकों में लिखना है। यानी कि अगर आपकी परसेंटेज 55.59 है या 58 है तो आपको यहाँ पर 56% लिखनी होगी। इसके बाद है इंटरमीडिएट, अगर आपने 12वीं भी की है तो आप 12वीं की जानकारी भी दे सकते हैं। आपको सेम वे में पहले बोर्ड का नाम देना है, इसके बाद आपने जहाँ से 12वीं किया उस स्कूल कॉलेज का नाम देना है, फिर यहाँ पर आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, अपनी परसेंटेज एंटर करनी है, और इसके बाद आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अन्य, यानी कि अगर आपने डिग्री भी किया तो आप यहाँ पर डिग्री का नेम, स्पेशलाइजेशन जहाँ से आपने किया उस डिग्री कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नेम या फिर यूनिवर्सिटी का नेम आपको देना होगा, कौन से साल के अंदर आपने पास किया वो आपको बताना होगा, और यहाँ पर परसेंटेज देनी है। इसके बाद अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी है वो भी आप देख सकते हैं, नहीं तो आपको नीचे आना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आते हैं आपके सामने फीस का अमाउंट, और इसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। मैंने यहाँ पर ये पहले से अपलोड करके रखे हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको आपका फोटो अपलोड करना है पासपोर्ट साइज का, जो कि 3 हफ्ते से पुराना नहीं होना चाहिए। आपको क्लिक है टू अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप ब्राउज के ऊपर क्लिक करके आपका फोटो जहाँ पर भी है उसको सिलेक्ट करके अपलोड कर पाएंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपके फोटो का साइज 100 KB से कम और फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का रहना चाहिए। जैसे आप फाइल सिलेक्ट करोगे यहाँ पर फाइल अपलोड हो जाएगी, फिर आपको क्लोज कर देना है। देन आपको सेम वे में आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है उसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर फिर इसको क्लोज कर दीजिए। इसके बाद है आपकी 10th की मार्कशीट का सर्टिफिकेट, यानी कि आपकी जो 10वीं है उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। ये अपलोड करने के बाद यहाँ पर नीचे आएगा कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप इस फॉर्म को SC ST OBC से भर रहे हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का होना चाहिए क्योंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट भर्ती है। इसके बाद आपको यहाँ पर ये सिक्योरिटी कोड या फिर कैप्चर कोड फिल करना है। आई एग्री के ऊपर क्लिक करके, प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके देख लीजिए कि आपने कोई जानकारी गलत तो नहीं भर दी। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत तो उसको सही कर लीजिए, नहीं तो श्योर होकर के आपको यहां पर नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर प्राइवेसी नोटिस आएगा, आपको आई एग्री करना है, और आई एग्री करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। तो आप यहां पर इनमें से जिस भी माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी आपको इसी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था, और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इसी प्रकार से आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।